रामनगर जिले में देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के बेलिया मंदिर के पास की है। देर रात 18 वर्षीय मृतक राहुल वर्मा मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजी के साथ जा रहा था, जहां पर अज्ञात लोगों ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक जिला मुख्यालय के मुड़ीला मोहल्ले का निवासी है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अशोक कुमार, ग्राम मुड़ीला, हेली बाबू, हेली भैया उकना कहो, मुड़ीला, अशोक कुमार, गांव मुड़ीला। ये जो मृतक है वो कौन है आपका? हमारा भतीजा है वो। क्या मामला, कैसे हुआ घटना? हम आगे थे, वो पीछे था बंदा, वहीं पर किसी ने मार दिया उसको जो है। अब अगर राहुल वर्मा, उम्र कितनी रही? 18 से 19 करीब में होगा वो। कहाँ गए थे ये? विसर्जन में ही गया था, घर आया था, घर से फिर वापसी गया था, अपने छोटे भाई को छोड़ करके घर गया है। उसके बाद फिर दोबारा चला गया है, अब पीछे रह गया वो। अब पीछे कौन आके किस मार दिया जो है समझ में नहीं आया। जानकारी कैसे? जानकारी एक लड़का आया था बताने के लिए कि भैया राहुल को किसी ने चाकू मार दिया है, तो फिर भागते हुए हम लोग गए वहाँ, देखे तो बच्चा नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसको उठा के अपोलो हॉस्पिटल ले गए, तो अपोलो हॉस्पिटल में कोई था ही नहीं, और पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी थी, 3-4 गाड़ियाँ आई हुई हैं वहाँ खड़ी भी थी। वो कोई भी पुलिस वाला गाड़ी में लादने के लिए तैयार नहीं था, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जब वाइट एम्बेसडर आई हुई है, पता नहीं कौन था वो भी यहाँ आए हुए थे, उनके गाड़ी में लदी गई है, जबकि बंदा रास्ते में ही डेड कर गया था। इसमें बॉडी कहाँ है? बॉडी अंदर है, इसमें चाबी हमारे पास है। मारने वाले को कुछ पता चला? मारने वाले का पता नहीं चला, वो जितने बंद है थाने में अभी उनसे गए हुए हैं सब, अभी पुलिस वाले भी पूछताछ करेंगे अपना, वही बता पाएंगे। ही अंदर जाने नहीं दे रही थी हम लोगों को, यही दिक्कत हुआ है खाली। क्या चाहते हैं अब वो पकड़ा जाए तो फिर तो बताएं क्या चाहते हैं। अब जब वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया वहाँ उसको कहाँ पकड़ पाएंगे? अब इतने पब्लिक में कौन है कौन नहीं है, अगर पकड़ा जाए तभी तो जान पाए और कुछ कर पाए उसके साथ। वैसे अगर मिल जाए तो खून के बदला खून। यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस अब हर स्तर पर पड़ताल में जुट गई है। घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज जुटाने में लग गई है। एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सर, मूर्ति विसर्जन में एक युवक को चाकू मार दी गई, पूरा मामला क्या? कल रात्रि में थाना सिद्धार्थ नगर क्षेत्रांतर्गत मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति राहुल वर्मा को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारा गया। तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में घर वालों के तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विवेचना प्रचलित है, इसमें जो दोषी है उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, भीड़ के बीच में उसकी हत्या की जा रही है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए सवालिया निशान नहीं है? इसमें विसर्जन के दौरान अधिक भीड़ थी वहाँ पे, और जो जिसमें पुलिस बल भी लगाया गया था, और इसमें लगातार चेक किया जा रहा है कि वहाँ पे किसके द्वारा यह कार्य किया गया है, और दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीर अज्ञात लोगों के खिलाफ नहीं है, जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। विसर्जन में युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने रास्ता किया जाम। दोषी के न पकड़े जाने को लेकर मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल रोड किया जाम। मौके पर मौजूद तहसील प्रशासन व भारी संख्या में पुलिस बल लोगों को मनाने में जुटी।
हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप करिए जो करना है। लेकिन राष्ट्रपति तो आपके उनके चाचा बुला लीजिए, बुलाइए यही बुलाइए। हम लोग 3 घंटे कैमरे देखे कि नहीं देखे, मालिक तो हमने पकड़ा। मैं एक चीज और आप लोगों को बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, जिस परिवार के साथ मेरी बात सुनिए, जिस परिवार के साथ हुई है उसके घर का वो लड़का जो है मतलब अकाल मृत्यु हो गई चला गया, ठीक है। लेकिन उनके ही पे जो आपने कहा ना कि राजनीति न करिए आप लोग, तो राजनीति मत होने दीजिए। मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि राजनीति मत होने दीजिए, और नहीं तो फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं। नहीं नहीं सही है, आप लोग अपना, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ आ नहीं पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। यही सब आ जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप काम कर रहे हैं भाई, 24 घंटा बीता नहीं, ठीक है, कोई हमारी तरफ से वो रह गई। 1 बजे की घटना है, 1 बजे की घटना है, और तब से कंटिन्यू हम सभी लोग एक पल का विश्राम नहीं है। सुबह 6 बजे पूरी टीम गई है, मैं वहीं पे था। अरविंद, इतनी सारी बात आपसे हो गई है, उसके बावजूद कैसे फिर मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं सर, प्रशासन हमारा जो है, हमारा पुलिस विभाग काम कर रहा है, लेकिन अभी इतने तत्काल कोई काम थोड़ी हो जाएगा।